मेडिटेशन जो है बेसिकली इट्स कलेक्टिंग योरसेल्फ. आप अपने इट्स लाइक एन इनवर्ड जर्नी वेयर यू गॉट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, कैसी भावनाएं आ रही हैं, इसको कैसे ऑब्जर्व करूं. और ये भी समझ आती है कि एक थॉट आती है और दूसरी चली जाती है, परमानेंसी किसी में भी नहीं. मेडिटेशन ये है. और मेडिटेशन एक तो है आंखें बंद करके, एक तो है अंदर अंदर की इनवर्ड जर्नी जहां आप बाकी के सारी नॉइज़ से हटके यू डू एन इनवर्ड जर्नी इनसाइड. एक है आउटवर्ड जर्नी, क्योंकि जब आप ऐसे मेडिटेशन प्रोग्राम्स करते हो तो आप अवेकेंड ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, आप अलर्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हो. जैसे आप मेडिटेटर बनते हो, आप अपने आप को सुनते हो, आप अपने आप को देखते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप को महसूस करते हो, और आप समझने लगते हो आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या रिएक्ट कर रहे हो. यू बिकम सेल्फ ऑब्जर्वर. आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, जानकार बनते हो, अपनी पुलिसिंग करते हो. अगर ये समझे यू बिकम अ सेल्फ पुलिसिंग. सो मेडिटेशन दोनों है, आप इनवर्ड जर्नी आंखें बंद करके ताकि बाहर की डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाएं, इंद्रियां आप अंदर को जाएं, इंद्रियां अंदर को जाएं, और एक है इंद्रियां बाहर को देखें ध्यान से और समझे अपने आप को. दिस व्हाट आई फील मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज बोथ. यू लिव मेडिटेटिव वॉक्स ऑल्सो. जब आप बिल्कुल अपने आप में एकांत में, हम लोग अपने आप को समय नहीं देते. मेरा ख्याल है हमको हर एक व्यक्ति को अपना कुछ क्षण जरूर अपने आप को देने चाहिए टू राइट अ जर्नल और टू राइट क्वाइटली थिंकिंग और टू जस्ट फील विद योरसेल्फ.